नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में 72 जगह एनआईए की छापेमारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में एनआईए की रेड। तो देश भर में 72 जगह एनआईए की छापेमारी देखने को मिली है। पंजाब, हरियाणा समेत राजस्थान में एनआईए ने रेड की है। एमपी में भी एनआईए की छापेमारी हुई है। गैंगस्टर और उनके सिंडिकेट के खिलाफ ये रेड को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी, गुजरात, एमपी, राजस्थान में एनआईए ने छापेमारी की है। गैंगस्टर और उनके सिंडिकेट के खिलाफ ये रेड हुई है। देश भर में 72 जगह एनआईए की छापेमारी हुई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में एनआईए की रेड। तो गैंगस्टर और उनके सिंडिकेट के खिलाफ ये रेड हुई है। यूपी, गुजरात, एमपी में भी एनआईए के छापे पड़े हैं। गैंगस्टर उनके सिंडिकेट के खिलाफ ये रेड हुई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी में भी एनआईए ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि देश भर में 72 जगह पर एनआईए ने छापेमारी की है। तो यूपी, गुजरात, एमपी में भी एनआईए की छापेमारी देखने को मिली है। तो लगातार एनआईए की जो टीम है छापेमारी कर रही है। अली शरर हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अली, एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है एनआईए की तरफ से, 72 जगहों पर छापेमारी हुई है। कुछ बता दें, आज सुबह 4 बजे से ये छापेमारी जारी है और देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में छापेमारी की जा रही है। बड़े आर्म्स डीलर जो है, यानी कि अवैध हथियारों के जो तस्कर है, उनके यहाँ ये छापेमारी की जा रही है। और दूसरे जो ड्रग्स के बड़े सप्लायर है, यानी कि जो नशे का कारोबार करते हैं, उनके यहाँ पर तो माना जा रहा है कि बड़ी कमर तोड़ने की तैयारी की जा रही है केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा। और कई बड़े ऐसे डीलर हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं, उनके यहाँ पर छापेमारी आज सुबह से जारी है। रवीश, अली, हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले पीएफआई के खिलाफ उनके दफ्तरों में भी छापेमारी हुई थी। अब आप बता रहे हैं जो गैंगस्टर हैं, जो उनके सिंडिकेट हैं, उनके खिलाफ ये छापेमारी चल रही है, छापेमारी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल, केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बार पहले भी पीएफआई को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया था देश में, कि पीएफआई की तरफ से जो देश में विदेशों में पैसा ट्रांसफर था, बदमाशों को और अन्य संस्थानों को जो पैसा ट्रांसफर होता था, उसके पैसे के बाद उसका गलत तरीके से इस्तेमाल होता था, तो पहले सरकार ने उसको बैन किया। और पूरी तरह से एनआईए जो आर्म्स डीलर हैं, जो गैंगस्टर हैं, उनके पीछे लगी हुई है, क्योंकि मंशा यही है केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की कि किसी भी तरह से हथियारों की तस्करी ना हो। यदि हथियार नहीं आएंगे तो फिर किसी तरह से भी किसी की हत्या नहीं होगी। जो सुपारी किलर हैं वो उनकी कमर टूट जाएगी, इसलिए पूरी तरह से तैयारी की जा रही है, उसी के चलते छापेमारी जारी है। रवीश जी, लेकिन अली, हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पर ये छापेमारी, मतलब अलग अलग राज्यों में ये छापेमारी हो रही है। पंजाब भी उसमें शामिल है, हरियाणा भी उसमें शामिल है, गुजरात भी है, मध्य प्रदेश भी है, तमाम, और उत्तर प्रदेश भी है। ऐसे राज्यों के साथ साथ मेन जो उत्तर प्रदेश के नेपाल से जुड़े शहर है, पीलीभीत है, प्रतापगढ़ है, वहां पर ही छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि नेपाल से भी बड़ा इनका एक ताल्लुक है और नेपाल से भी इनका आर्म्स डीलर और ड्रग्स की सप्लाई होती थी। इसके लिए उत्तर प्रदेश के उन शहरों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ऐसे तमाम बड़े शहर हैं जहां पर छापेमारी आज सुबह से की जा रही है, अभी तक की जानकारी के मुताबिक। चलिए अली, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अली शरर हमारे सहयोगी तमाम जानकारी हमें दे रहे थे एनआईए की जो छापेमारी चल रही है उसको लेकर। चलिए बढ़ते आगे, लखनऊ में जीएसटी की टीम का छापा। जी हाँ, यूपीएएल फैक्ट्री में जीएसटी की टीम ने छापा मारा है। जीएसटी चोरी की शिकायत मिलने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पिछले 10 घंटे से जीएसटी की छापेमारी जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में जीएसटी की टीम ने छापा मारा है। यूपीएएल फैक्ट्री में जीएसटी की टीम ने छापा मारा है। जीएसटी की टीम ने कब्जे में कई अहम दस्तावेज ले लिए हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछले 10 घंटे से जीएसटी की छापेमारी जो है ये जारी है। तो लखनऊ में जीएसटी की टीम ने छापा मारा है। जीएसटी की टीम ने कई अहम दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया है। यूपीएल फैक्ट्री में छापेमारी की गई है। जीएसटी चोरी की शिकायत मिलने के बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यूपीएल, आप देख सकते हैं, सीमेंट की शीट्स बनाती है ये कंपनी। यहाँ पर आपको दिख रहा है जीएसटी की चोरी की है, इस तरीके के आरोप जो थे वो लग रहे थे इस कंपनी के ऊपर, शिकायत की गई थी और उसके बाद जीएसटी के टीम ने यहां पे छापेमारी की। तो पिछले 10 घंटों में जीएसटी की जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। शिकायत मिलने के बाद जीएसटी की टीम वहां पहुंची थी, अहम दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया है जीएसटी की टीम ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। अगली बड़ी खबर असम से। असम के गुवाहाटी पहुंचा गंगा विलास क्रूज। पांजू पोर्ट पर पर्यटकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
इस वक्त की बड़ी खबर, असम के गुवाहाटी पहुंचा गंगा विलास क्रूज और इसका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। यात्रा के 42वें दिन असम पहुंचा गंगा विलास क्रूज। वाराणसी से चला था दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा विलास क्रूज को रवाना किया था। तो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास यात्रा के 42वें दिन गुवाहाटी पहुंचा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वाराणसी से ये जो क्रूज था इसको रवाना किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसको रवाना किया था। उस वक्त पांजू पोर्ट पर पर्यटकों ने गर्म जोशी से इसका स्वागत किया है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें इस क्रूज की। यात्रा के 42वें दिन ये असम पहुंचा है और जो यात्री इसमें सवार है उनका गर्म जोशी के साथ स्वागत किया गया। तो असम के गुवाहाटी पहुंचा है, पांडू पोर्ट पर पर्यटकों ने इसका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। यात्रा के 42वें दिन असम पहुंचा है गंगा विलास क्रूज, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया था वाराणसी से। और तमाम अहम पड़ाव हैं इस क्रूज की यात्रा के, और उन्हीं में से एक अहम पड़ाव है गुवाहाटी, जहां ये क्रूज अब पहुंच गया और इसके बाद इसका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। तमाम जो पर्यटक थे, ये आप देख सकते हैं, रिवर क्रूज MV गंगा विलास पांडू पोर्ट पर पर्यटकों ने गर्मजोशी के साथ इसका स्वागत किया। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। धर्मशाला कटरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हिमाचल के धर्मशाला और कटरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर अगर इसकी तीव्रता बताई जाए तो 3.6 बताई जा रही है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 है। कोई जानमाल किसी नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं आई है, ये अच्छी बात है। लेकिन धर्मशाला और कटरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 3.6 इसके रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी, यानी कि एक माइल्ड अर्थक्वेक इसे कहा जा सकता है। हालांकि किसी तरीके के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है, ये अगर भारत के दृष्टिकोण से बात की जाए तो एक अच्छी बात है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो जिले हैं, धर्मशाला है, कटरा है, वहां पर भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। बढ़ते हैं आगे, बात तुर्की की करते हैं। तुर्की के हताय में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इसमें 3 की मौत हो गई है, 200 से ज्यादा लोग घायल। भूकंप के झटकों से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है। 3 की मौत, 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। भूकंप के झटकों से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तुर्की में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई है। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंपीय केंद्र ने बताया है कि तुर्की सीरिया सीमा क्षेत्र में 2 किलोमीटर की गहराई में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। वहीं तुर्की के गृह मंत्री सुलेमान सोयलू ने कहा कि ताजा भूकंप में 3 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भूकंप के झटके के बाद लोग अपने घरों से बाहर आ गए और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ताजा भूकंप के झटकों से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। दूसरी ओर भूकंप के झटके पड़ोसी देश लेबनन की राजधानी बेरूत में भी महसूस किए गए। सीरिया की सरकारी एजेंसी सना के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की सीरिया सीमा पर आए भूकंप के बाद अलेप्पो में इमारत का हिस्सा गिरने से 6 लोग घायल हो गए। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेपी नड्डा के कर्नाटक दौरे का आज आखिरी दिन है। चिकमंगलुरु में बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा में हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो कर्नाटक चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जेपी नड्डा के कर्नाटक दौरे का आज आखिरी दिन है। हासन जिले में सार्वजनिक बैठक में हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा, बूथ लेवल के अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। जेपी नड्डा के कर्नाटक दौरे का आज आखिरी दिन है। हासन जिले में सार्वजनिक सभा में हिस्सा लेंगे, बूथ लेवल के जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे जेपी नड्डा। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। जेपी नड्डा के कर्नाटक दौरे का आज आखिरी दिन है। हासन जिले में सार्वजनिक बैठक में हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा, चिकमंगलुरु में बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा भी करेंगे।
मेघालय में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। गृह मंत्री अमित शाह का मेघालय दौरा आज है। शिलोंग में दो चुनावी रैलियों में हुंकार भरेंगे अमित शाह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेघालय में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में लगी हुई हैं। गृहमंत्री अमित शाह का मेघालय दौरा आज है, जहां दो जनसभाओं को गृहमंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। शिलोंग में दो चुनावी रैली में हुंकार भरेंगे अमित शाह। मेघालय के पिनथोरू मकरा में भी चुनावी रैली करेंगे। 27 फरवरी को मेघालय में होगी वोटिंग। मेघालय का ये जो रण है इसमें 60 सीटें हैं। 27 फरवरी को इसमें वोट डाले जाएंगे। बीजेपी सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव के लिए 375 उम्मीदवार मैदान में हैं। पिछले चुनाव में मेघालय में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस 21 सीट हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। उम्मीद है कि इस बार भी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। मेघालय विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का मेघालय दौरा आज है। जी हां, प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे सचिन पायलट। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जहां दो चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, वहीं कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट का आज मेघालय का दौरा है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज मेघालय में रहेंगे। शिलोंग में जनसभा को भी संबोधित करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। युवाओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे सचिन पायलट। पायलट ने हिमाचल में भी धुआंधार प्रचार किया। तो कांग्रेस नेता सचिन पायलट का मेघालय दौरा आज है। युवाओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे सचिन पायलट। तो कांग्रेस नेता सचिन पायलट का मेघालय दौरा आज है। मेघालय विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट मेघालय में आज जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे सचिन पायलट। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजस्थान के धौलपुर से बड़ी खबर है। गरीब रथ एक्सप्रेस में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं धौलपुर से। धौलपुर जंक्शन पर ट्रेन को रोका गया। ट्रेन में चलाया गया सघन तलाशी अभियान। एडीएम और एसडीएम भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। तो गरीब रथ एक्सप्रेस में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। गरीब रथ एक्सप्रेस में बम की सूचना मिली थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सघन तलाशी अभियान चलाया गया। डॉग स्क्वाड को भी वहां पर बुलाया गया। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। पैसेंजर्स को ट्रेन से बाहर निकाला गया। उसके बाद वहां पर एजीएम और एसडीएम भी मौके पर पहुंचे। तमाम जांच की गई। तो बम की सूचना से हड़कंप मच गया। राजस्थान के धौलपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गरीब रथ एक्सप्रेस में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां गरीब रथ एक्सप्रेस में बम की सूचना के बाद हड़कंप मच गया था। सघन तलाशी अभियान वहां पर चलाया गया। पुलिस की टीम को भी आप वहां पर देख सकते हैं। डॉग स्क्वाड को भी वहां पर बुलाया गया था। जनरली डॉग स्क्वाड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी सूंघने की शक्ति तेज होती है, तो जल्दी से पता लगा लेते हैं कि कहीं कोई आरडीएक्स या आईडी बम में छुपा तो, ट्रेन में छुपा तो नहीं रखा है। अगली बड़ी खबर ओडिशा से। ओडिशा में महिला पर एसिड अटैक हो गया। पति ने अपनी दूसरी पत्नी पर एसिड फेंक दिया। पारिवारिक विवाद में घटना को अंजाम दिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओडिशा में महिला पर एसिड अटैक हुआ। पति ने अपनी दूसरी पत्नी पर एसिड फेंक दिया। आरोपी युवक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पारिवारिक कलह के चलते एसिड अटैक की घटना को अंजाम दिया गया। तो आरोपी युवक की तलाश में पुलिस जुट गई है। ओडिशा में महिला पर एसिड अटैक हुआ है। पारिवारिक कलह के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी पति की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पति ने अपनी दूसरी पत्नी पर एसिड फेंक दिया। आरोपी युवक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एक महिला जो है 22 साल की, उनके ऊपर एसिड फेंका गया है। जितना हमारे पास प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से ये महिला जो थी, जो मेन एक्यूज जो है, उनके सेकंड वाइफ थी।
एंड सिंस वो उनके फैमिली में कोई डिस्प्यूट था उसके रिलेटेड ये असॉल्ट हुआ है. मोटिव ये हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं. एंड उनके साथ जो और तीन हैं वो अभी सेफ हैं. महिला को हम इमीडिएटली ALS एम्बुलेंस में SCB कटक शिफ्ट कर दिए हैं एंड वी आर कोऑर्डिनेटिंग अबाउट हर हेल्थ एंड बहुत ही जल्दी अक्यूज्ड अप्रीहेंड होगा. इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है. बढ़ते आगे. झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अविनाश पांडे झारखंड के दो दिन के दौरे पर हैं. रांची पहुंचने पर अविनाश पांडे का एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने स्वागत किया, जिसके बाद अविनाश पांडे रामगढ़ के लिए रवाना हो गए. बता दें कि जिमखाना क्लब सभागार में रामगढ़ ग्रामीण एवं शहरी कार्यकर्ताओं के साथ अविनाश पांडे ने अहम बैठक की. बैठक में रामगढ़ उपचुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण चर्चा हुई. इस बैठक में वार्ड, पंचायत, प्रखंड एवं बूथ कमेटी के सदस्य भी शामिल हुए. तो रामगढ़ उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई. अविनाश पांडे झारखंड पहुंचे थे जहां उनका कार्यकर्ताओं और सरकार के मंत्रियों ने स्वागत किया. रांची एयरपोर्ट पर अविनाश पांडे का भव्य स्वागत हुआ. रामगढ़ ग्रामीण एवं शहरी कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया. अविनाश पांडे ने कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की. रामगढ़ उपचुनाव को लेकर हुई ये महत्वपूर्ण चर्चा. तो दो दिन के झारखंड दौरे पर हैं अविनाश पांडे. से आज रामगढ़ में होने वाले उपचुनाव के लिए मैं प्रचार यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ. मुझे खुशी है कि रामगढ़ में कांग्रेस, JMM, JDU और हमारे अन्य सभी सहयोगी दलों का जो कैंडिडेट उनके विजय हासिल करने के लिए और जिस स्थिति में ये चुनाव कंपलसरी लादा गया है, ये आप सब समझते हैं कि आज खुले रूप से ये जो लड़ाई है ये न्याय और अन्याय के बीच में. भिवानी में दो मुस्लिम युवकों की हत्या के आरोप में घिरे मोनू मानेसर के समर्थन में अब लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं. इसी बीच मानेसर गांव के ग्रामीण और युवा हिंदू संगठनों के साथ सड़कों पर उतरे और मोनू को निर्दोष बताते हुए CBI से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है. मानेसर के ग्रामीण एकत्रित होकर गुरुग्राम के राजीव चौक से DC ऑफिस तक एक पैदल मार्च उन्होंने निकाला और उसके बाद SDM को ज्ञापन सौंपते हुए CBI जांच की मांग की है. आपको बता दें कि मोनू मानेसर के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर चुके हैं. बता दें कि 15 फरवरी को राजस्थान के भरतपुर जिला निवासी जुनैद और नासिर को राजस्थान से किडनैप कर लिया गया था. बाद में अगले दिन दोनों की लाश भिवानी जिले के लोहारू कस्बा में बोलेरो गाड़ी में कंकाल के रूप में मिली. तो मानेसर के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने CBI जांच की मांग की है और इसके लिए उन्होंने SDM को ज्ञापन भी सौंपा. तो गुरुग्राम में आरोपी मोनू के समर्थन में प्रदर्शन किया गया. मानेसर के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. ये तस्वीरें भी आप यहां पे देख सकते हैं. बढ़ते आगे. बीजेपी की सांसद रंजिता कोहली ने राजस्थान सरकार से मांग की है कि CM गहलोत को स्पेशल टीम गठित कर पुलिस की बर्बरता की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि एक महिला के गर्भ में बच्चे की मौत हो गई पुलिस की बर्बरता को दिखाती है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है. पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए हम महिला आयोग भी जाएंगे, ये कहना है रंजिता कोहली का. जिस तरीके से भरतपुर में मेरे क्षेत्र के दो युवक जावेद और नाशिम को जिंदा जलाने की घटना हुई है, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है. जो ऐसी घटना भविष्य में कभी नहीं होनी चाहिए थी. जो इस घटना के दोषी हैं उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए. इनकी आड़ में पुलिस दोषियों को वो ना बचाए और बेगुनाह को ना फंसाएं. जो FIR में जिनका नाम है उनके परिवार के साथ ऐसा ना करें. जिस तरीके से गर्भवती महिला के पेट पर पुलिस द्वारा लात मारी गई, उस बच्चे की घर में ही मौत हो गई. उस बच्चे का क्या कसूर था जो जन्म लेने से पहले ही पुलिस द्वारा मार दिया गया. इस घटना में दोषियों को सजा मिलनी चाहिए. अगली बड़ी खबर झारखंड से. झारखंड के लोहरदगा में हाथियों का आतंक देखने को मिला है. हाथी ने 24 घंटे में 5 लोगों को कुचल दिया. हाथी के हमले में सभी 5 लोगों की मौत हो गई.
झारखंड के लोहरदगा में हाथियों का आतंक देखने को मिला है। हाथी ने 24 घंटे में 5 लोगों को कुचल दिया। हाथी के हमले में सभी 5 लोगों की मौत हो गई। ग्रुप से बिछड़कर गांव में घुसा था हाथी। तो हाथी के हमले से सभी 5 लोगों की मौत हो गई। ग्रुप से बिछड़कर गांव में हाथी घुस गया था। 24 घंटे में हाथी ने 5 लोगों को कुचल दिया। झारखंड के लोहरदगा में हाथी का आतंक देखने को मिला है। जंगली हाथी का आतंक देखने को मिला है। हाथी ने 24 घंटे में 5 लोगों को कुचल दिया। 5 की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ग्रुप से बिछड़कर गांव में यह हाथी घुस आया था, जिसके बाद उसने अपना गुस्सा ग्रामीणों पर निकाला और 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस तो मार चुका था, पता नहीं हम लोहरदगा में थे। पुलिस जब जा पता चला कि लोहरदगा से वापस जाते हुए पता चला कि टीम को मार चुका था, जिसे लोहरदगा से घर पहुंचते हुए पता चला कि भाई को भी मार। गांव सर बहुत आतंक तो कहो मत कहते, गांव से तीन तीन चार चार लाशें निकल गई, तो फिर आतंक तो आतंक ही होगा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जो जंगली हाथी है उसका आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसा हम लोग देख रहे हैं वहाँ पर जैसा स्थिति है, हाथी है संभवतः हल्का पागल टाइप का हो गया है, जो लोगों को देख करके रैट लोग को मारने के लिए दौड़ जा रहा है। तो ऐसा हम लोग का विभाग पुलिस विभाग सब लगा हुआ है, उसको सही जगह खदेड़ के उसको भगाएं, ताकि ग्रामीणों का जो जान माल का क्षति हो रहा है उससे बचा जा सके। और जितना भी हम लोगों को संभव हो पाएगा, हम लोगों ने 2 टीम को और बुलाया है। एक पुरुलिया का बांकुड़ा टीम आ रहा है और एक दूसरा आपका रांची से QRT टीम का निकल चुका है हाथी को भगाने के लिए। तो तत्काल अभी हम लोग सब व्यवस्था लेके जा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इसे जिला का जो हम लोग का सीमाना है उससे बाहर इसको निकाल करके ग्राम लोग सुरक्षित कर सके। पीएम मोदी के पिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना कांग्रेस नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा को महंगा पड़ गया। उनके विवादित बयान के बाद वाराणसी में दर्जनों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष महेंद्र चंद्र श्रीवास्तव ने पवन खेड़ा से माफी मांगने को कहा है। अगली खबर गोवा से है, जहां 3 दिवसीय QS सम्मेलन का आज तीसरा दिन है। तीसरे और आखिरी दिन गोवा के CM प्रमोद सावंत QS सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में भारत समेत कई देशों के यूनिवर्सिटीज के चेयरमैन हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध और विकास के साथ साथ शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए क्या नीति हो, इस पर चर्चा की जा रही है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हुए अन्य देशों के शैक्षिक संस्कृति के साथ तालमेल बिठाते हुए देश के आर्थिक विकास को रफ्तार दी जाए, इस पर भी मंथन हो रहा है। QS सम्मेलन में निम्स यूनिवर्सिटी के चांसलर और चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। QS इंडिया सम्मेलन 2023 का आखिरी दिन आज है। गोवा के CM सम्मेलन को संबोधित करेंगे। डॉक्टर BS तोमर भी समापन सत्र को संबोधित करेंगे। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, डॉक्टर BS तोमर भी समापन सत्र को संबोधित करेंगे, निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और चांसलर। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, QS इंडिया सम्मेलन 2023 का आज आखिरी दिन है। बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी भी वहां पहुंची थी, जिन्होंने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और चांसलर डॉक्टर BS तोमर। QS इंडिया सम्मेलन 2023 का आज आखिरी दिन है। गोवा के CM सम्मेलन को संबोधित करेंगे, आज आखिरी दिन है क्योंकि CM पहुंचेंगे वहां पर संबोधित करेंगे, और निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर भी वहां पर संबोधित करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, QS समिट का आयोजन जो है वो गोवा में किया जा रहा है। शिक्षा में कैसे गुणवत्ता लाई जाए, इस पर मंथन चल रहा है। तमाम जो पहलू हैं उन पर बातचीत की जा रही है एजुकेशन के संबंध में। खास पेशकश में इतना ही, और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।